अगर आप अपने सफ़ेद बालों को नेचुरल तरीके से काला करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक कमाल की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इससे आपके सफ़ेद बाल सारे के सारे काले हो जाएंगे नेचुरल तरीके से, और मैं आपके साथ लाइव डेमो लाइव रिजल्ट शेयर करने वाली हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस, जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो कैसे आप अपने व्हाइट हेयर को, ग्रे हेयर को एकदम ब्लैक कर सकते हैं। जी हाँ, एकदम नेचुरल तरीके से ब्लैक कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अपने बालों में कभी हिना का या फिर कोई और कलर का एप्लीकेशन किया है और आप उस कलर को भी ब्लैक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपके जो इतने भी ग्रे, वाइट या फिर कलर्ड हेयर हैं वो सारे ब्लैक हो जाएंगे और एकदम नेचुरल तरीके से, कोई भी केमिकल यूज़ ना किए हुए। अब बात आती है कि कैसे आप लोग विश्वास करें कि आपके सारे ग्रे या वाइट हेयर ब्लैक हो जाएंगे। तो मैं आपके साथ लाइव डेमो शेयर करने वाली हूँ तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आप भी अपने मेहंदी वाले या फिर वाइट ग्रे हेयर को ब्लैक कर सकते हैं बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छे तरीके से। रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए जो आपको बर्तन लेना है यहाँ पर, वो आयरन वेसल लेनी है, लोहे का बर्तन लेना कंपलसरी है। इससे क्या होगा, हमारी रेमेडी को एकदम डार्क ब्लैक कलर मिलेगा, साथ ही साथ हमारे बालों को भी आयरन मिल जाएगा। अब जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज़ करना है वो है चाय पत्ती। जो नॉर्मल चाय बनाने में आप यूज़ करते हैं चाय पत्ती, वो यूज़ कर सकते हैं। 3 स्पून यहाँ पर यूज़ की है, ये हमारे बालों में शाइनीनेस लाता है, हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करने में हेल्प करता है और हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है फेनुग्रीक सीड्स मेथी दाना, ये हमारी प्री मैच्योर ग्रे हेयर को तो होने से रोकता ही है, साथ ही साथ अगर आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर ग्रोथ प्रमोट नहीं हो रही है तो उस केस में काफ़ी अच्छा वर्क करता है मेथी दाना। और मेथी दाने के साथ अगर आप कलौंजी सीड्स ऐड कर लेंगे तो क्या ही कहने हैं, जो हमारी रेमेडी है बहुत ज़्यादा पावरफुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1 स्पून कलौंजी सीड्स और 1 स्पून फेनुग्रीक सीड्स ऐड की है। अब जो सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट आता है हमारे बालों को काला करने के लिए वो है आलू। जी हाँ, सिंपल आपको एक आलू लेना है, उसको वॉश करना है और उसके बाद आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। आपने नोटिस किया होगा जब हम आलू को ऐसे छोड़ देते हैं कट करके तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करने में हेल्प करता है और काफ़ी अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। आप गूगल जाकर कर सकते हैं कि आलू कैसे हमारे बालों को अच्छा रख सकता है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं 2 ग्लास पानी और हमें इस रेमेडी को तब तक बॉईल करना है जब तक जो पानी है 1 ग्लास ना रह जाए। और जो पानी की क्वांटिटी है आप इस अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जितना आप हेयर पैक प्रिपेयर करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो पानी की क्वांटिटी है कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप उसको अच्छे से बॉईल करना है जब तक जो हमारा पानी है हाफ क्वांटिटी ना रह जाए तब तक बॉईल करना है। इससे क्या होगा कि जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए उसकी जो गुडनेस है वो सारी की सारी इस पानी में आ जाएगी। जो कलर है इस रेमेडी का आप देख सकते हैं कितना अच्छा डार्क कलर का कलर आया है। ये डिटॉक्शन बहुत ही अच्छे से हमारे बालों को काला करने में, हमारे बालों को शाइनिनेस देने में काम करेगा। जो क्वांटिटी है हाफ रह गई है, आप देख सकते हैं साइड से कि इतनी ही देर में कितना अच्छा डार्क ब्लैक कलर आया है। इसमें क्या हुआ है कि जो ये वेसल है लोहे का बर्तन है, इसने अपनी जो आयरन है वो रिलीज़ किया, इससे जो कलर है इस रेमेडी का और ज़्यादा डार्क हो चुका है। इसको ठंडा करना है, अच्छे से ठंडा हो जाने देना एक बार। तो ये जो हमारी रेमेडी है वो ठंडी हो चुकी है और इसमें अभी कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं जैसे फेनुग्रीक सीड्स है, थोड़े बहुत टैटू के स्मॉल स्मॉल पीसेज हैं, तो हमें इसको रिमूव करना है, अलग सेपरेट करना है। तो मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया और एक चलनी ली और इससे जो सारा हमारा डिकॉक्शन है उसको सेपरेट कर लिया। तो जो पानी था वो सेपरेट हो गया और जो वेस्ट मटेरियल था जो कि हमने यूज़ किया था फेनुग्रीक सीड्स, पोटैटो और कलौंजी, वो सारा के सारे जितने भी इसमें गुडनेस थी वो सारे पानी रिलीज़ कर दिया और हमारा डिटॉक्शन बनकर तैयार हो गया। अब मैंने सेम बर्तन को एक बार पानी से वॉश कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है अथर आयुर्वेदा का प्योर एंड नेचुरल हिना पाउडर जो कि 100% नेचुरल है, केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड्स फ्री है, पैराबिन फ्री है और SLS फ्री है। काफ़ी अच्छा है हिना पाउडर, मैंने इस ब्रांड का पहले भी यूज़ किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं इसके। तो आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इस हिना पाउडर को इस वेसल में कलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 5 to 6 स्पून हिना पाउडर यहाँ पर लिया है। अब नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं भृंगराज पाउडर, अथर आयुर्वेदा ब्रांड का मैंने भृंगराज पाउडर लिया है
और ये काफ़ी अच्छा है, बालों को स्ट्रांग बनाता है, लंबा बनाता है, हमारे सफ़ेद बालों को काला करने में हेल्प करता है। 100% नेचुरल है और वीगन है। तो मैंने यहाँ पर 2 स्पून भृंगराज पाउडर यूज़ किया है। अब आपके बाल ड्राई और रफ़ ना हो जाएं तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं मार्केट वाला 2 स्पून एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप जो फ्रेश एलोवेरा जेल प्लांट्स एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने डिटॉक्शन तैयार किया था अपना ठंडा होने के बाद, आप उसी डिटॉक्शन से जो ये हिना पैक है उसको पेस्ट फॉर्म में बना लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए, एक साथ पानी ऐड करेंगे तो लम्ब्स बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपको एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करना है। और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो डिटॉक्शन तैयार किया है हमने काफ़ी अच्छा है, तो आप देख सकते हैं स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको आपको कवर करके ओवरनाइट रखना है। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते हो तो एटलीस्ट आप मिनिमम 4 आवर्स के लिए इसको कवर करके रखें। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने देखा था काफ़ी अच्छा कलर आया था, काफ़ी अच्छे से जो डाई थी वो रिलीज़ हो गई थी। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद एकदम देख सकते हैं एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमारा हेयर पैक बनके तैयार हो गया है। अगर आपके डैंड्रफ की समस्या है बालों में तो आप इसमें 1/2 लेमन जूस भी यहाँ पर ऐड कर सकते, इससे जो आपका डैंड्रफ है वो दूर हो जाएगा। तो हमारा स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब आप एप्लीकेशन से पहले जो बालों की कंडीशन है वो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है बालों की। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। और जो मैंने हिना पैक प्रिपेयर किया था इस तरीके से किया था कि सारे बालों पे अप्लाई हो जाए। तो देखिए अभी जो सफ़ेद बाल हैं कुछ इस कंडीशन में हैं, इनको हम सारे के सारे बालों को, सफ़ेद बालों को काला करने वाले हैं। तो अभी आपने जो प्रेजेंट कंडीशन है बालों की वो देख ली है। अब हम इन्हीं बालों पर जो हिना है वो अप्लाई करते हैं। अगर आप किसी मेल के बालों के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं ना तो काफ़ी इजी होता है अप्लाई करना। आप देख सकते हैं इस तरीके से जल्दी जल्दी आप ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई फीमेल हैं और अगर आपके बाल लंबे हैं तो उस केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो कैसे अप्लाई करना है ना, मैंने आपके साथ एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि हिना का एप्लीकेशन लंबे वालों में कैसे किया जाए। अगर वो चेकआउट नहीं किया है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इनके बालों में हिना अप्लाई कर लेती हूँ। अब इस हिना को आपको रखना है अपने बालों में मिनिमम 2 घंटे के लिए। आप मैक्सिमम 3 घंटे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इस हिना को अपने बालों में रखने वाली हूँ केवल और केवल 2 घंटे। तो 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे में जो मेहंदी आपने जो अपने बालों में अप्लाई की है वो ऑलमोस्ट सूखना स्टार्ट हो गई होगी, ड्राई होना स्टार्ट हो गई होगी, लेकिन कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुई होगी और ना ही आपको कम्प्लीट ड्राई करनी है। अगर आप कम्प्लीट ड्राई कर लेंगे तो आपके बाल थोड़ा रफ हो जाएंगे, तो हल्की सी गीली रहे तभी आपको अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो मैंने इस मेहंदी को अपने बालों में रखा था 2 घंटे के लिए और उसके बाद आपको इसको वॉश करना है नॉर्मल पानी की हेल्प से। कोई भी शैम्पू कंडीशनर यूज़ नहीं करना है, केवल पानी से अपने बालों को वॉश करना है। और उसके बाद जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं, मैंने अपनी जो बाल हैं केवल पानी से वॉश किए हैं, कोई शैम्पू यूज़ नहीं किया। आपको भी कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना है, सिंपल पानी से बालों को वॉश करना है। और पानी से वॉश करने के बाद जो कलर है कुछ इस तरीके का आया है, जो वाइट जो हेयर थे वो सारे कवर हो चुके हैं, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर सारे कवर हो चुके हैं लेकिन ब्लैक नहीं हुए हैं। अब इन बालों को हमें ब्लैक करना है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए सेकेंड प्रोसेस अप्लाई करने वाले अपने बालों पे, जिससे जो ये रेड कलर के ऑरेंज कलर के बाल दिख रहे हैं वो सारे के सारे काले हो जाएं। तो रिजल्ट हिना के बाद आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए हम क्या करने वाले, उसके लिए हम इंडिगो का पैक तैयार करने वाले हैं। तो इंडिगो से क्या होता है, हमारे बाल रफ जाते हैं, तो वो रफ ना हो तो हम डिकॉक्शन तैयार करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने लिया 1 गिलास पानी और उसमें हमने ऐड किया 2 से 3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स हमारे बालों को स्मूथ सॉफ्ट बनाती है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। तो आपको पानी को अच्छे से बॉईल करना है 4 to 5 मिनट्स के लिए। और आपको जो कंसिस्टेंसी आपको लिक्विड फॉर्म में ही रखनी है, जेल फॉर्म नहीं बनाना है, थोड़ा सा बॉईल करना है। जैसे ही चिपचिपापन आ जाए थोड़ा सा, आपको जो गैस की फ्लेम उसको ऑफ कर देना है। जो कंसिस्टेंसी आपको लिक्विड फॉर्म में रखनी है, अब आपको इसको ठंडा नहीं करना है पूरा, आपको थोड़ा सा ठंडा करना है और ल्यूक फॉर्म जैसा हो जाए आपको इसको गरम गरम छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं जो इसका कलर है वो येलो कलर का आ गया है, थोड़ा ये थिक भी हो चुका है और इसमें जो गुडनेस थी फ्लैक्सीड की वो सारी इस पानी में आ गई है। अब आपको वो ग्लास का एयर टाइट कंटेनर यहाँ पे यूज़ करना है। अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं हो तो आप कोई भी ग्लास का बाउल यूज़ कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अथर आयुर्वेदा का प्योर एंड नेचुरल इंडिगो पाउडर। काफ़ी अच्छा है, नेचुरल है, पैराबिन फ्री है, सलेस फ्री है, 100% नेचुरल है। अगर आप पूरे बालों में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके ज़्यादा क्वांटिटी में सफ़ेद बाल हैं, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ले लीजिए। अगर आपके थोड़े सफ़ेद बाल हैं तो आप 2 to 3 स्पून इंडिगो पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ इनके ऊपर, उनके काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद बाल हो चुके हैं, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लिया है इंडिगो पाउडर का। अब जो हमने फ्लैक्स सीड का जो पानी तैयार किया था, उसकी हेल्प से हमें एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करना है। आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ पूरा पानी ऐड नहीं करना है। इससे जो हमारा पेस्ट है वो ज़्यादा लिक्विड हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना के तैयार करना है। तो जो कंसिस्टेंसी में मुझे थोड़ी थिक लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया, और आप देख सकते हैं कि मिक्स करते करते एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अभी जो कलर है एकदम ग्रीनिश है कलर है, इसको एकदम चेंज करना है हमको ब्लैक कलर में। आपको किसी भी ढक्कन से कवर करना है अच्छे से, जिससे बिल्कुल भी एयर ना जाए इसके अंदर, इसलिए मैंने एयर टाइट कंटेनर यहाँ पे यूज़ किया था। इसको रखना है आपको 15 to 20 मिनट्स के लिए, और विद इन 20 मिनट्स जो कलर है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं 15 मिनट्स के बाद ये रिजल्ट है, काफ़ी अच्छा कलर आया है। अगर आपका कलर ऐसा आ जाता है इंडिगो का 15 to 20 मिनट्स बाद, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी की जो डाई है वो रिलीज़ हो चुकी है। अब आपको इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है एक बार, और हमें इन बालों पर जो हमने आपको पहले भी दिखाया था ऑरेंज कलर के शेड पर, इस इंडिगो को अप्लाई करना है। जो इंडिगो का एग्जैक्ट कलर होता है वो ब्लैक नहीं होता है, पर्पल होता है, लेकिन जब वो ऑरेंज कलर के ऊपर अप्लाई होता है तो आपको ब्लैक कलर का शेड देता है। तो इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जिस तरीके से आप हिना पाउडर, हिना मेहंदी का पैक अपने बालों पे अप्लाई करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। सारे बालों पे करना चाहें तो सारे बालों पे कर सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ आपने, या फिर जहाँ जहाँ आपके बाल सफ़ेद हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको कम्फर्टेबल लगे उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। तो मैं इनके सभी बालों पर अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में इनके सफ़ेद बाल हो चुके हैं, तो मुझे इनके सारे बालों पर मोस्टली जो इंडिगो का पैक है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके मैंने इंडिगो का पैक अप्लाई कर लिया है। अब इस पैक को आपको रखना है मिनिमम 2 to 3 आवर्स के लिए, और उसके बाद आपको पानी से वॉश करना है। कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना है, कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है, पानी से वॉश करना है। उसके बाद आप अपने बालों को पानी से वॉश करना है, कोई शैम्पू कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करना है, पानी से वॉश करना है। बहुत ही इजीली जो कलर है निकल जाएगा। जब आप पानी से वॉश करेंगे तो थोड़ा ग्रीन कलर निकलेगा पानी के साथ, और जब आपका जो पानी है एकदम क्लीन हो जाए आपके बालों से निकलना, तो आपको छोड़ देना, आपके बाल वॉश हो चुके हैं। उसके बाद आपको बालों को सुखाना है एकदम नेचुरल तरीके से, पंखे की हवा में, कोई ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करना है। और जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आप देख सकते हैं रिजल्ट गाइस। मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था मेरे जो बाल थे व्हाइट थे वो वाला, उसके बाद मैंने अब दिखाया था हिना के बाद जो रिजल्ट आया था वो, और अब जो आप फाइनल रिजल्ट है वो देख सकते हैं। मेरे जो बाल है ना वो ब्लैक हो चुके हैं, एक भी बाल जो है व्हाइट नहीं दिख रहा है। सारे जो मेरे ग्रे हेयर थे, जो ग्रे रूट्स थे, वो सारे ब्लैक में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब जो रिजल्ट आपके सामने गाइस, कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। अब बात आती है आपको शैम्पू कब यूज़ करना है। आप कोशिश कीजिए 2 दिन तक आप अपने बालों को वॉश मत कीजिए, ना ही पानी से ना ही शैम्पू से। लेकिन अगर पॉसिबल ना हो, अगर आपको वॉश करना है शैम्पू से, आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं रह सकता बिना वॉश किए हुए, तो आपको शैम्पू करने से पहले आपको ऑयलिंग करनी है अच्छे से। मतलब आप अच्छे से हैवी चंप भी कर लीजिए अपने बालों में, जैसे मेहंदी को हिना को यूज़ करते हैं, हिना को वॉश करने से पहले अपने बालों को ऑयलिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से इंडिगो को वॉश करने से पहले आप अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद अपने बालों को वॉश कीजिए शैम्पू से। और कोशिश कीजिए अगर हो सके तो 2 दिन तक अपने बालों को वॉश मत कीजिए, तो जो कलर है आपके बालों में ब्लैक वाला वो ज़्यादा दिन तक रहेगा। तो इस तरीके से 2-स्टेप प्रोसेस आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात गाइस ये है, मैंने आपके साथ लाइव डेमो शेयर किया है कि जो मेरे ग्रे हेयर थे वो कैसे ब्लैक हो चुके हैं, पूरा आपके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये सच में आपके बालों को ब्लैक करता है। अब कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि ये एक परमानेंट कलर है। जी बिल्कुल नहीं, ये परमानेंट कलर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपके बाल ब्लैक हो गए। हाँ 15 डेज या 1 मंथ तक ये आपके बालों में जो ब्लैक कलर है वो रहेगा। अब कितना दिन रहेगा ये डिपेंड करता है आपके बालों की जो ग्रे हेयर है, व्हाइट हेयर है, उस पर कितने ज्यादा व्हाइट हेयर है, या फिर आपके बालों की क्वालिटी पे। लेकिन मिनिमम जो कलर है 15 डेज तक रहता है आपके बालों में, नहीं जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 2-स्टेप प्रोसेस है। आप इसको
15 डेज के बाद रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है, नेचुरल है, तो आप इसको यूज करके अपने बालों को कलर कर सकते हो। बहुत ही कमाल के 2-स्टेप प्रोसेस है, ट्राई कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और ट्राई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस मेरे चैनल पे आना है और जो अपने एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर करने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, या फिर वो लोग जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिस्ट हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।